दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले कोहली ने दिया अजीबोगरीब बयान जिसने क्रिकेट जगत में मचाया हड़कंप। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में हम आपको आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मुकाबला तो अब लोगों के सर चढ़ चुका है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम उस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से महामुकाबले की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, विराट कोहली अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको आलोचकों का शिकार होना पड़े। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। विराट कोहली भी प्रैक्टिस में जमकर अपना अनुभव खिलाड़ियों के साथ साथ जा कर रहे हैं। बता दें, विराट कोहली खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते देखे गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस सिर चढ़कर बोल रहा है। विराट कोहली अपने प्रैक्टिस मैच में इतना ज्यादा आक्रामक हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दे डाला कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई तो वह संन्यास ले लेंगे। विराट कोहली ने कहा कि मैं इस बात का दावा करता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को इस मुकाबले में धूल चटाएगी, बल्कि दावा पेश करेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम सबसे बेहतरीन टीम है। दोस्तों, क्रिकेट खबर में बस इतना ही। विराट कोहली के इस दावा से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।